गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द न्यू सेशन ऑफ लर्निंग. वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 3 एंड द आवर टॉपिक इज डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. इन द लास्ट टॉपिक वी हैड सीन इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर द टॉपिक ऑफ डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. लुक चिल्ड्रन, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स द फैक्टर्स, इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस वेयर द बिजनेस एग्जिस्ट. इन सिंपल वर्ड्स अगर हमने बोले तो डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है फोर्सेस. ओके, फोर्सेस जिसमें बिजनेस ऑपरेट करता है. ओके, दिस फोर्सेस कैन बी इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशंस और एनी अदर थिंग. ओके, तो सबसे पहली बात तो है कि आपका जो बिजनेस है वो एक सुनसान जगह में ऑपरेट नहीं करता है, वो एक सोसाइटी के अंदर ऑपरेट करता है. ओके, तो उस सोसाइटी के अंदर ऑपरेट करने के लिए उसमें बहुत सारे इन्वायरमेंट होते हैं जिनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट होता है आपके बिजनेस में. वही हम डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर पढ़ने वाले हैं कि किन किन चीज़ों का इफेक्ट होता है बिजनेस में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और क्यों होता है. ओके, तो पहला है इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट. इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट मतलब कि हमारे कंट्री का जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट होता है या फिर हमारे कंट्री को के इकोनॉमी को कोई भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो इफेक्ट करता है वो बिजनेस को भी इफेक्ट करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. ओके, लाइक जीडीपी. अगर किसी कंपनी का जीडीपी, सॉरी किसी कंट्री का जीडीपी बहुत अच्छा होगा, हाई होगा, ठीक है, तो उसमें क्या चांसेस है कि उस वहाँ का बिजनेस का जो सिचुएशन है काफ़ी अच्छा होने का चांसेस है, मतलब बूम होने का चांसेस है. किसी भी कंट्री के अगर पीपल का इकोनॉमिक इनकम लेवल अगर बहुत अच्छा है तो उस कंट्री का जो बिजनेस है वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आपका इनकम लेवल अच्छा है तो आप अच्छे अच्छे गुड्स परचेज करोगे, गुड लिविंग स्टैंडर्ड जो है आपका अच्छा होगा. ओके, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम मतलब हर एक पर्सन का जो इनकम होता है इन द ईयर. ओके, अगर ये अच्छा है तो आपका ऑब्वियसली आप ज़्यादा से ज़्यादा गुड परचेज करोगे, आपकी परचेजिंग पावर बहुत अच्छी होगी और आप कंट्री में क्या होगा, आपका बिजनेस फलेगा फूलेगा सोचने से, ठीक है, फ्लॉरिश होगा. देन एम्प्लॉयमेंट रेट, मतलब कितना वहाँ के लोग, किसी भी कंट्री के लोगों का कितना ज़्यादा वो एम्प्लॉयड है. ओके, जितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा उतना अच्छा उसका जीडीपी आगे वो कम जो कंट्री की जीडीपी जो है उसको प्रोग्रेस करेगी और उतने ही उसके जो सिटीजन्स है वो भी क्या करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे. ओके, इन द सेम वे मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी भी जो भी है, ये सारी बातें क्या हो रही है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की हो रही है कि कैसे किसी कंट्री का जो इकोनॉमी है उसको कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं और जो फैक्टर्स कंट्री के इकोनॉमी को इफेक्ट करेंगे वो उसके बिजनेस को भी इफेक्ट करेंगे. अगर पॉजिटिव इफेक्ट होगा तो बिजनेस को भी पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा और अगर नेगेटिव इफेक्ट होगा तो बिजनेस को भी नेगेटिव इफेक्ट मिलेगा. इसका सीधा सीधा एग्जांपल आप अभी के सिचुएशन को रिलेट करके देख सकते हैं. सपोज अगर कंट्री अगर बूम सिचुएशन में होती है, बूम सिचुएशन मतलब फ्लॉरिश कर रही होती है, तो वहाँ के बिजनेस सिचुएशन भी फ्लॉरिश कर रहे होते हैं. जैसे वहाँ के सिटीजन्स की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, वो ज़्यादा परचेज करते हैं और वहाँ की जो बिजनेस है वो क्या करती है, फ्लॉरिश करते जाती है. जैसे अभी हमारा जो कंट्री का इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है कि कोरोना वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस का अभी तक भी कोई इलाज नहीं मिला है, ना कोई वैक्सीन बना है, लोग डरे हुए हैं, कुछ लोग बाहर घर से बाहर जरूरी सामान के लिए ही निकल रहे हैं, बीच में हमारा 3 मंथ्स के लिए लगभग लॉकडाउन हो गया है, ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, सारे बिजनेस बंद है, इकोनॉमी पूरा का पूरा ठप पड़ा है, जीडीपी बिल्कुल ही नीचे चली जा रही है, तो ये सब क्या है, सब सिचुएशन जो है वो नेगेटिव सिचुएशन अभी कंट्री में. तो अभी जो ये सारे सिचुएशन जो है बिजनेस को भी नेगेटिवली इफेक्ट करेगी. ओके, तो बेसिकली आपको इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में यही पढ़ना है कि जैसे आपका इकोनॉमी का सिचुएशन होता है वैसे ही आपका बिजनेस का भी सिचुएशन होता है. ओके, सेकेंड इज सोशल इन्वायरमेंट. सोशल इन्वायरमेंट मतलब कि जो सोसाइटी हमारा होता है, जो हमारा कस्टम्स, ट्रेडिशंस, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, टेस्ट, प्रीफ्रेंस, एजुकेशन लेवल जिस तरह का होता है वैसे ये हमारा
ये भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये जो हमारा सोसाइटी है ये भी हमें हमारे जो बिजनेस को इफेक्ट करता है। ओके, जैसे किसी भी सोसाइटी का अगर लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है तो वो क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लग्जूरियस आइटम्स का परचेज करेगी। और किसी की अगर मान लो सोसाइटी का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत लो है तो वो क्या करेगी, कम से कम इन्फीरियर गुड्स का परचेज ज़्यादा से ज़्यादा करेगी। ओके, एजुकेशन लेवल की अगर बात करें कि अगर सोसाइटी बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है तो क्या करेगी, वो बहुत ही डाइट भी अच्छा डाइट लेगी, या फिर वो ज़्यादा फिटनेस पे ध्यान देगी। ओके, और तो फिटनेस पे ध्यान देगी तो आपका जो फिटनेस से जितना भी रिलेटेड है लाइक प्रोटीन ड्रिंक हो गया, योगा टीचर हो गया, ये सारे जो मतलब हेल्थ से रिलेटेड जितने भी इंडस्ट्री है वो वहाँ पे क्या करेंगे, ज़्यादा फ्लॉरिश करेंगे। वहाँ पे ज़्यादा स्कूल्स, कॉलेजेस, बुक्स, स्टेशनरी का बिजनेस ज़्यादा फ्लॉरिश करेगा। ओके, इन द सेम वे अगर हम ट्रेडिशंस और कस्टम्स की बात करें, मान लो अगर किसी सोसाइटी में हिंदू बहुत ज़्यादा हैं, ज़्यादा है हिंदू की संख्या ज़्यादा है सॉरी, तो वहाँ पे क्या होगा कि सपोज अगर दिवाली आता है तो दिवाली से जितने भी प्रोडक्ट है वो ज़्यादा का ज़्यादा वहाँ पे सेल होंगे। अगर मान लो किसी सोसाइटी में मुस्लिम्स ज़्यादा है तो अगर ईद आएगी तो ईद में जो भी सामान यूज़ होते हैं वो ज़्यादा प्रिफर किया जाएगा। ओके, देन कम्स पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट डायरेक्टली बेस्ड होता है कि आपके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव कौन है। ओके, उनके टाइप कैसे टाइप के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है, कोऑपरेटिव गवर्नमेंट है, मिक्स्ड गवर्नमेंट है, या फिर सिंगल इंडिविजुअल गवर्नमेंट है। ओके, तो उनका एटीट्यूड कैसा है बिजनेस के प्रति, कैसे कैसे पॉलिसी बना रहे हैं जो कि बिजनेस को इफेक्ट करेंगे। जैसे अभी हमारे देखो हाल ही में एक पॉलिसी आई है कि मेड इन इंडिया की पॉलिसी आई है कि अब हम बाहर की कोई भी सामान नहीं खरीदेंगे, क्या करेंगे मेड इन इंडिया ही करेंगे, मतलब हर एक सामान के को अपने यहाँ पे मैन्युफैक्चर करेंगे और यूज़ करेंगे। तो ये क्या है, ये जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट अभी जनरेट हुई है ये आगे चल करके क्या करेगी, यहाँ के बिजनेस को बढ़ाएगी। ओके, और ये क्या करेगी, यहाँ पे जो मेड इन इंडिया की कंसेप्ट है, मेड इन इंडिया के कंसेप्ट पे क्या होगा कि आप अपना सामान जो यूज़ कर रहे हैं वो खुद बना रहे हैं। ओके, तो आप बाहर से रिलाई नहीं कर रहे हैं, बाहर से कभी भी एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, तो क्या होगी, आपकी कंट्री के अंदर बिजनेस और ज़्यादा प्रॉस्पोरस होगा। ये जो एटीट्यूड गवर्नमेंट की दिख रही है अभी वो बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड है टुवर्ड्स इंडियन बिजनेस। ओके, लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट में सिंपल है कि आपको जितने भी लीगल इन्वायरमेंट लॉ ऑफ लैंड है या फिर जितने भी लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं उसका आपको ऑबे करना पड़ेगा। और आपको एडिक्वेट नॉलेज, मतलब टाइम टू टाइम पे अगर लॉज चेंज हो रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका नॉलेज रखना पड़ेगा आपके पास। ठीक है, जैसे आपको मान लो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस और मैनेजमेंट कैसा है ये देखना पड़ेगा, लीगल पॉलिसीज रिलेटेड टू लाइसेंस एंड फॉरेन ट्रेड, लाइसेंस लेने के लिए कौन कौन से लीगल पॉलिसीज अपनाने पड़ेंगे, या तो फॉरेन ट्रेड के लिए क्या क्या लीगल पॉलिसीज है ये देखना पड़ेगा। ठीक है, तो लॉज टू कीप अ चेक ऑन एडवर्टीजमेंट, आप अगर एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट का तो वहाँ पे कौन कौन से लॉ जो होता है जो ऑब्जर्व करना होता है वो सब आपको देखना पड़ेगा। ओके, तो आपको अगर लीगल इन्वायरमेंट की आप बात कर रहे हैं तो आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस मानने पड़ेंगे। ओके, ओबे करना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको एडिक्वेट नॉलेज, मतलब पूरा पूरा नॉलेज रखना पड़ेगा कि क्या क्या आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ओके, अगर आप सपोज किसी भी रूल को ओबे नहीं करते हैं तो आपको क्या करेंगे, पेनाल्टी या फिर आपको कोर्ट में घसीटा जा सकता है। इसीलिए आपको अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा लीगली कि क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस अभी गवर्नमेंट की आई है, सबको आपको फॉलो करना पड़ेगा। ओके, देन कम टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट इज सिंपल, टाइम टू टाइम क्या होता है कि न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आती है, न्यू न्यू इन्वेंशंस होते हैं, और एक टाइम आता है कि हम लोग क्या करते हैं, जो न्यू इन्वेंशन और न्यू टेक्नोलॉजी की तरफ चलते चले जाते हैं। ओके, और जो पुराना जो चीज़ है उसको हम लोग पीछे छोड़ जाते हैं। ओके, तो इन द सेम वे जैसे हम लोग अभी बात करें, सबसे पहले हमारे पास क्या था, लैंडलाइन ही था। ठीक है, जिसको हम लोग लैंडलाइन से ही बात करते थे। उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, एक छोटा सा बटन वाला फ़ोन आया, और फिर अभी देखो हमारे पास 4G 5G फ़ोन आ रहा है। ठीक है, तो लोग अब कोई भी वही बटन वाला फ़ोन या तो फिर लैंडलाइन बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, ज़्यादातर क्या है टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अपग्रेड कर लेते हैं,
बस टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में यही है कि अगर कोई बिजनेसमैन अपना ये जो टेक्नोलॉजी मान लो ये हो रहा है, सपोज जो भी फोन बनाते थे बटन्स वाले, उनका वो जो मैन्युफैक्चरिंग करते थे, उन्हें तो काफ़ी लॉस हुआ होगा अगर वो ठीक तरीके से टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट को नहीं पढ़ पाए होंगे तो. ओके और सपोज इसका और एक एग्जांपल है कि सबसे पहले स्टार्टिंग में वीसीआर चलता था, ठीक है. जब वीसीआर के बाद क्या आया, सीडी आया. सीडी के बाद क्या आया, डीवीडी आया. डीवीडी के बाद अब देखो पेन ड्राइव चल रहा है. ओके और अभी मोबाइल में भी आप स्टोर करते हो, मोबाइल से भी आप ट्रांसफ़र कर लेते हो. तो जो आप वीसीआर मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे, ओके वो क्या हुआ होगा, उनका बिजनेस पूरा का पूरा लॉस में चला गया होगा. क्यों चला गया, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज कर रहा था और वो ठीक से इन्वायरमेंट को पढ़ नहीं पाए. तो इसीलिए इन्वायरमेंटल स्कैनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है. और ये सारे फैक्टर्स और फोर्सेस है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई भी बिजनेस को इफेक्ट करती है. ओके और इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा केस स्टडी आने की संभावना है. तो प्रिपेयर केस स्टडी इन दिस डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट. ओके So I am ending the video here only. In the next video, we will learn about the features of New Economic Policy 1991. Till then, keep learning. Thank you.